बच्चों आइए अब आप लोगों को वो दो तीन है सो स्पेशल जो बराबर है सो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब बताते हैं। हो सकता है इससे पहले आप नहीं सुने हो उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का नाम, तो भी मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, शायद इसको आप लोग सुने। वह नाम है आप लोगों का क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह क्वेश्चन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको कैपिटल जी से सूचित करते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको पहले फॉर्मूला क्या होता है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण में नाइन्थ क्लास में यह बतलाया गया होगा कि दो वस्तुएं एक का मास m1 है और दूसरा का मास m2 है, यानी द्रव्यमान m2 है, इन दोनों के बीच का दूरी r है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या लगने वाला आकर्षण बल, यह जो है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान कौन है m1 है और m2 के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों के बीच का दूरी, बीच का दूरी क्या है r से इंडिकेट किए, ये दूरी है डिस्टेंस है ना, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब f, कंबाइन करने के बाद f दोनों के लिए एक f लिखेंगे और ये दोनों के लिए क्या लिखते हैं m1 into m2 और राइट साइड में into 1/r स्क्वायर। ये लिखने का आपका तरीका है कि राइट साइड को राइट साइड में लिखें और फोर्स के लिए एक ही फोर्स दर्शाएं। तो यह है सो कंबाइनिंग वी गेट, ऐसे लिखते हैं कंबाइनिंग वी गेट हम लोग पाते हैं। तो अब आइए इसके बाद क्या है, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 आई 1/r स्क्वायर मतलब नीचे r स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसको कैपिटल जी से कहा जाता है, यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। यह कौन बताएंगे, यह न्यूटन ने बताया। तो यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के निकालना है तो मतलब क्या है, जी का मान निकालना है। जी का मान निकालने के लिए क्या होगा, गौर से ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये m1 m2 यहां आ जाएगा इक्वल टू के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8 × r, ये यहां आ गया और ये m1 × m2 आ गया, नहीं ऐसे करके लिख दिए इक्वल टू क्या जी, और इसी जी का हम इसीलिए यहां वाट दिए हैं कि इस जी का फॉर्मूला क्या होता है, इस जी का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको इसको अगर हमको फॉर्मूला लिखने के लिए बोल दिया जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, और जी इक्वल टू जी को लिख सकते हैं, एफ का मतलब फोर्स, आर का मतलब डिस्टेंस, और स्क्वायर को स्क्वायर दे दिए, m1 मतलब मास और इस m2 मतलब मास, बस ये लिखने का तरीका हो गया। और जब ये लिखने का तरीका हो गया, अब इससे पहले अभी मैंने क्या बोला कि जो 8 फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया उसी से 60% बन जाता है। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L T^-2 मास इंटू एक्सीलरेशन, ये आप देखेंगे पिछले वीडियो में ऐसे फोर्स का यही लिखी। डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ का मतलब क्या एल लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एल और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और इस मास के लिए एम लिखेंगे, और इस मास के लिए एम लिखेंगे। कोई कोई बच्चा मतलब दिमाग चला जाता है, m1 है तो यहाँ m1 लिख दिए सर, 2 है तो 2 लिख दिए, नहीं बाबू नहीं, मासी ना है तो उस तरह फिर यहां यहां ऐसे लिखा है, तो उस सब लिखने बताए क्या, नहीं तो
आप ऐसे सोचते क्यों? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि मास्क M1 के लिए मास्क लिखिए, M2 के लिए भी मास्क लिखिए? वैसे सोचिए, पॉजिटिव सोच लाइए ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना ना आइए। अब गौर से अपने से देखिए, एम है ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं और नीचे वाला नीचे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आए सॉल्व करेंगे। एम है इधर, एम है क्या नहीं, एम लिखिए, यहाँ एन है, यहाँ एन है। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे यहाँ टी 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 वाला था, यहाँ एन है और इन टू में एन स्क्वायर, यहाँ वो एक है, यहाँ दो है। तो पावर क्या बताए थे, जुट जाएगा 1 और यह 2, 1+2, यहाँ माइनस नहीं है, इसीलिए यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। अभी टी है और इधर टी है, नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे टी का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू, और इस प्रकार से लिख दिए। अब डिवाइड का साइन दिए, उसका एम इंटू एम, यहाँ एम है, ये एम है, इंटू में यहाँ एम का पावर 2 हो जाएगा। अब हम लोग एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको ऊपर ले जाएंगे। एम इसको क्या लिखे, एल का पावर 1+2 3, एल का पावर 3, टी का पावर क्या -2 डिवाइडेड बाय एम का पावर क्या 2। अब अपने से देखिए इसके बाद क्या बचा, इसके बाद तो इसको ऊपर ना ले जाएंगे कि एम है, एम का पावर कितना 1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे एल का, यहां 1 है, 1 लिखे, यहां पूरा लिख दिए एल क्यूब टी का पावर -2, यहां से इस ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा इंटू एम का पावर, ये ऊपर गया तो ये प्लस है, तो यह क्या हो जाएगा -2। सॉल्व करने के लिए देखिए कि लिख हम कैसे रहे और तरीका भी बता रहे हैं कि लिखने का तरीका क्या है। ये एम है, ये एम है, इंटू में है, तो अभी क्या हो जाएगा पावर ऊपर जुट जाएगा, ये एक है, अभी कितना है -2, ऐसे -2 ऐसे लिख दिए और बीच में जोड़ दे दिए एम एल, पावर क्या आ जाएगा, दोनों एम के लिए एक एम लिखते हैं और पावर क्या आता है जुड़ जाता है, यह एल है, एल का पावर क्या 3, टी का पावर क्या -2, तो यह क्या हो जाएगा एम का पावर 1 और प्लस माइनस -2 और एल का पावर 3, टी का पावर -2, और कुछ है नहीं, वैसे लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह एल का पावर -1, ये प्लस है 1, ये -2, तो क्या हो जाएगा -1 बचेगा, एल का पावर 3, टी का पावर -2। अब कोई बच्चा इसको नहीं जानेगा सॉल्व करने कि +1 और -2 बराबर, यहाँ जोड़ और घटाव है तो घटाव ही होगा, एक में 2 जाएगा तो क्या 1 बचेगा, और दोनों में ये एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 का साइन क्या है माइनस, इसीलिए माइनस। ये भी कोई कोई बच्चा को अगर तकलीफ होगा कि ये भी नहीं जानता होगा तो बच्चा यहाँ सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, तो जिंदगी में कभी ऐसा उसको लगेगा कि हमसे साइंस होता नहीं, साइंस नहीं होता सब बात नहीं, ये सब जो तकलीफ आता है ना ये सब सॉल्व करने में वही सब जगह पिछड़ते हैं। जैसे अभी आपका अब खुद सोचिए कि सिलेबस जो है सो डिफाइन हुआ है रविवार को और सभी बच्चे के पास है और वो चला गया और सब बच्चा जान रहा है लेकिन सिलेबस देख कर कोई नहीं पढ़ता है, जिसको देखो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, अगर सिलेबस देख करके अगर तुम पढ़ते हो तो निसंदेह तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और इस कोरोना काल में भी अच्छा से घर में भी पढ़ सकते हो, ये नहीं कि यहां से अरे यहां के बाद हम डायरेक्ट इसके बाद ये वाला लिख देते और बोलते समझ में आ गया तो बच्चा तो लगता हाँ हाँ का पता हमको नहीं आता है सर कैसे लिखे एम का पावर माइनस, तो आप देख लीजिए इसको 3 स्टेप में सॉल्व कीजिए तब चलता, तो वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, केवल आपको ये सबसे पहले संयम लाना होगा कि अगर हम नहीं जानते हैं तो एक्सेप्ट करें कि हाँ हमको ये सॉल्व करने नहीं आता, तो नहीं आता किससे बोलिएगा, आप अपने साथ जो घर में बड़े हो या अगल बगल में जो पढ़े हो या आपके घर मतलब उसी से ना अभी मदद लीजिएगा, जो कोई हो उन्हीं से हम लोग से मदद लेने के लिए आपको है सो फोन करना हो तो फोन करेंगे तो दिन भर में कितना फोन उठाया जा सकता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे फोन करते होंगे मैसेज करते होंगे, अब इतना सारा बच्चा है सभी को जवाब और ये देना संभव तो हो नहीं पाता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैसेज करना छोड़ के आज ना कल जरूर मिलता है। और यहाँ के मतलब महाविद्यालय के लेक्चर के द्वारा जो फोन कॉल जाती है उसका रिप्लाई दिया करिए और सही सही दिया करिए, झूठ बोल करके मस्ती करना कि हम ऐसे हैं वैसे नहीं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला कि 9 तारीख को है सो नोटिस जाएगा कि कैसे एग्जाम होगी। तो जी बिल्कुल आप लोग सही समय मतलब उस समय आपके मन में जा रही है प्रश्न कि अभी तक नोटिस नहीं आया, लेकिन आप ये जानिए कि कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही आपको वह नोटिस नहीं दिया जा रहा है। जैसे कोई बच्चा सोच लेगा घर बैठे बैठे कि ऐसा क्या बात है कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ऐसा संभव है क्योंकि आप लोगों के पास जो लाइव एग्जाम होती है वो है सो क्वेश्चन है सो गूगल फॉर्म में है सो टाइप करनी होती है और उसका है सो टेक्स्ट अलग होता है, जिसके कारण टाइपिंग में लेट होने के कारण ही आपको नोटिस नहीं दी जा रही है और दी जाएगी आपको दिवाली के बाद दी जाएगी, आपको आज शाम तक हो सकता है कि आपको नोटिस मिल जाए, है ना। तो हम आते हैं यहां पर कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद रहे तो डायरेक्ट लिख करके हम लोग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन अभी तक 2005 से लेकर के अभी तक अगर बोला जाए कि यह कितना बार आया होगा तो 5 से 2000 अगर हम लोग है सो 20 तक काउंटिंग करें तो कितना साल होगा 16 साल होगा। 16 साल में कम से कम यह क्वेश्चन 8 बार जरूर पूछा, मिनिमम 8, क्योंकि ये हर एक साल छोड़ के एक साल बढ़ता ही रहता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसी प्रकार से और भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे 10 नंबर में आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स नियतांक जिसको एच से इंडिकेट किया जाता है, तो एच बराबर जो होता है वह क्या होता है, वह है सो E by mu, एनर्जी by फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए, तो एनर्जी बराबर वर्क होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1 by टाइम पीरियड होता है। तो ये आप नीचे क्लास में जानते हैं, बैठा देंगे आ जाएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। उसी प्रकार से 11 नंबर में आपका है सो वह क्वेश्चन जो ज्यादातर आता है वह है सो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है वह क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स प्रति इकाई लंबाई को किसी तरल पर लिक्विड पर जो बल लगता है वह इकाई प्रति इकाई लंबाई पर, उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो फोर्स का जानते हैं, लेंथ का भी जानते हैं, बैठा दी होगी। इसी प्रकार से आप 11 यहाँ पर 11 तो मैंने बता दिया, और भी है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछता है, तो ये आप है सो देख लीजिएगा कि वहां पर जो है वह क्वेश्चन कितना बार या आपका किसी भी बुक में मान के चलिए कि लेके चलिए कि एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आपका पास मान दिनेश का बुक हो, एबीसी का बुक हो, अरोरा का बुक हो, या तो आपका है सो एससी वर्मा जो लोग हैं अभी है सो पढ़ाने के लिए लोग है सो तैयार रहते हैं, तो एससी वर्मा गलत बुक नहीं है, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब अभी का न्यू सिलेबस नहीं, 2000 अगर हम लोग 13 से देखें तो वह सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अच्छी बुक है, लेकिन यह क्यों मतलब कहते हैं कि नहीं 11th में है सो मतलब एचसी वर्मा पढ़ा दिया जाए, 12th में एचसी वर्मा पढ़ा दिया जाए, तो जैक बोर्ड के लिहाज से या सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से किसी भी बोर्ड के लिहाज से वह जो बुक है सो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। बहुत लोगों को लगता हो सर लगता है कुछ गलत बोल दिए, नहीं मैं आज फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये सही मतलब देखा जाए तो उसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले किताब चली आती थी वही किताब है। मैं ये कह रहा हूं किताब खराब में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक नहीं है, तो यही कारण है कि मैं वैसे बात कर रहा हूं कि वो नहीं है। जैसे एम करीम का बुक हो गया,
या आलोक पब्लिकेशन का बुक हो गया, मतलब बहुत सारे मार्केट में किताब है। आपके पास जो बुक हो, जो बुक मतलब आपके आसपास में जो बुक होगी, उसमें देखिएगा कि कहीं पर भी है सो यूनिट एंड डायमेंशन में आपका है सो दिया हुआ है, सो मिलेगा एक ही जगह, मतलब 106 फिजिकल क्वांटिटी का आपका है सो फॉर्मूला दिया हुआ मिलता है। ज्यादातर बुक में 43, 45, 94 एनसीईआरटी के लास्ट में देखिएगा अपेंडिसेस में, तो वहां पर है सो आपको 94। हालांकि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में कोशिश करूंगा कि आज ही भेज दूं ताकि आप अधिक से अधिक बना लें, लेकिन मैं जितना बता दिया अभी तक प्रश्न उसी से है सो आते रहे हैं। ये मैं मैकेनिक्स से बताया, अभी आपका हीट से बचा हुआ है, साउंड से बचा हुआ है, उसके बाद आपका है सो 12th क्लास से बचा हुआ है। 12th क्लास में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का मैंने नहीं बताया, अभी तक करेंट का नहीं बताया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं बताया, आपका रेजिस्टेंस का नहीं बताया, आपका है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं बताया, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं बताया, उसमें जी बहुत सारे वो 12th का मैं नहीं बता रहा, मैं अभी 11th तक की आप लोगों को रखा। तो आप एक है सो देख सकते हैं, जैसे 12th में एक दर्जन पूरा कर देते हैं ना, 11th तक आए, 12वां भी दे देते हैं। आवेश, आवेश चार्ज, चार्ज बराबर क्या होता है, तो चार्ज का पहले फॉर्मूला तो जानिए। तो आप नीचे क्लास में क्या देखे, आई बराबर नीचे में देखे होंगे क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ देयर फोर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये टी यहाँ चला जाएगा, आई इंटू टी, ये ऐसे करके यहाँ क्यू को ही चार्ज कहा गया। आप नीचे क्लास में आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय पढ़े होंगे, तो यहां पर आई को करेंट, करेंट और यहां पर टी को टाइम, तो यहां करेंट को जो है वह करेंट को आई से भी इंडिकेट, पुराना बुक में देखिएगा कि आई से इंडिकेट रहेगा, टी से, टाइम को टी से, तो यह क्या हो जाएगा आई इंटू टी। लेकिन जो न्यू बुक आई है, ये पुराना प्रिंटेड बुक जो रहेगा उसमें आई टी लिखा हुआ मिलेगा, संभवता हो सकता है, अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये एसी वर्मा में आई टी लिखा हुआ है ना, लेकिन वही चीज अभी जो नए बुक आए हैं, करेंट का मात्रक जो होता है एसआई यूनिट, मैंने एम्पियर बताया, इसीलिए आई जहां पर भी हो वहां पर ए हो जाए, और यह टाइम के लिए ए टी रही। कहिएगा सर इसमें एमएलटी नहीं लिखेंगे, नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैकेनिक्स में एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, बाकी में नहीं, तो एमएलटी के फॉर्म में लिखने के लिए आप सभी को इसको किसमें मैकेनिक्स में, और ये किसका है, ये मैं एक एग्जांपल इसलिए दे दिया क्योंकि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे 13वां नंबर में इलेक्ट्रिक, सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानते हैं, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब बल फोर्स बाय पर यूनिट चार्ज। तो हम चार्ज का क्यों बता दें, क्योंकि अगर हम चार्ज बता दिए कि एटी होता है तो आप एटी बैठा लीजिए, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एम एल टी का पावर माइनस टू, तो वो बना के देखिएगा और 12th लिखोगे, मतलब एक चार्ज बताने से 12th पूरा बन जाए। तो मैं नहीं बतला रहा था यही काम, इसलिए नहीं बतला रहा था कि उतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर में मतलब 10-10 मिनट का वीडियो है, 10-10 मिनट में दो दो आप पढ़े हैं, तो इतना जल्दी पूरा बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है तो बना सकता है। अभी भी आपसे हीट नहीं बनेगा और साउंड नहीं, दो का नहीं बनेगा। अब हीट में कहिएगा सर हीट में क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर पढ़े हैं तो गुप्त उष्मा का नाम सुने, इंग्लिश मीडियम वही बच्चा इंग्लिश मीडियम क्या पढ़ा, लैटेंट हीट पढ़ा, तो हीट का भी नहीं बताए क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का भी इसमें यूज नहीं किया, तो इसीलिए बोले हीट नहीं बनेगा और साउंड। उसके बाद आप देखिएगा कि लगभग है सो अब है सो आपका 90% डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हीट और साउंड अब छोड़ दिए बाकी सब अब। तो आप लोग है सो घर में पहले तो प्रयास करिए, कोशिश करिए कि अगर बनता है तो अच्छी बात है,
नहीं बनती है तो आप प्रयास करके हमारे पास क्वेश्चन भेजिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप शब्द को, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे पूछना होगा उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू।